इंदौर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 9 अगस्त को रीगल चौराहे पर चीनी प्रति आयोजन कंपनियों भारत छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वर्तमान में देश की विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं पर जिस प्रकार की गतिविधियां चीन के द्वारा संचालित की जा रही है, हमारे देश में जवानों के द्वारा जिस प्रकार उसका डटकर मुकाबला किया जा रहा है, उसके सम्मान में आज हमारे देश में स्वदेशी वस्तुओं को अपना कर हमारे देश के सैनिकों के सम्मान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। शहीदों को नमन एवं सच्चा श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। चीनी वस्तुओं को त्याग कर देश में प्रत्येक भारतवासी को स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु मंच द्वारा 9 अगस्त को चीनी कंपनी भारत छोड़ो के आह्वान के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया गया। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक भारतवासी अपने स्तर पर इस कार्य में सहयोग करेगा। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ दीपक की रिपोर्ट। चीनी कंपनियों का विरोध हम चाहते हैं, चीनी वस्तुओं का, चीनी कंपनियों का भारत में कम से कम उत्पादन हो, कम से कम उसका विक्रय हो। ये हमने आह्वान पूरे देश के सभी जागरूक नागरिकों से किया है कि चीनी कंपनी और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। चीनी कंपनियां इस स्तर पर आ जाए उनकी बिक्री की, उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़े। इंडिया की टीम में चीनी प्रोडक्ट का जो विज्ञापन चल रहा है जिसमें आईपीएल भी शामिल है, उसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे? हाँ, ये विरोध प्रदर्शन हमारा अभी उस पर इसीलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि प्रथम दिन ही हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन जी ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी और पूरे देश के सभी नागरिकों से आईपीएल के बहिष्कार का आह्वान किया था और ये कहा था कि हम आईपीएल का बहिष्कार करेंगे यदि यह स्पॉन्सरशिप होती है। तो नतीजा यह निकला कि आईपीएल ने चीनी कंपनी के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है, जो करार 2023 तक चलना था। यह हमारी एक सार्थक पहल थी। विकास मिश्रा, इंदौर महानगर संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।